अस्सलाम वालेकुम। आज हम साबुदाना की खीर तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 किलो दूध ले लिया है हमने। इस दूध को हमने बॉईल करना है और फिर इसको पकाना है। जैसे दूध बॉईल होने के साथ साथ हम इसमें चीनी 1/2 कप डालेंगे और इसको चीनी घुल भी जाएगी और दूध में भी बॉईल आ जाएगा जब तक हम इसको पकने देंगे। दूध को उबाल आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने इसको पकने दिया है। अब हम कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 टिन जो होता है इसका, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ भी इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रहेंगे। साबुदाना हमने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब, साबुदाना ले लिया है और 3 टेबल स्पून के करीब ये चावल है जो इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। अब हम चावल और साबुदाने में तकरीबन 1/2 कप जो है वो पानी इसका ऐड करेंगे इसमें और इसको पकने के लिए रखेंगे। इसको तकरीबन हमने इतनी देर पकाना है कि साबुदाना का कलर चेंज हो जाए और चावल भी फूल जाएंगे। उसी में ही तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको पकाएंगे और अगर पानी की हमें और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। चावल और साबुदाना को हमने इतनी देर पकाया है कि ये फूल के ऊपर आ गए हैं। अब हमने इसको दूध जो अपना तैयार किया हुआ था हमने उसमें ऐड कर देना है। इसको साबुदाने और चावल के बैटर को हमने दूध में शामिल कर दिया है और बस इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने देना है। साबुदाने की खीर इतनी गाढ़ी हो जाए तो इसका मतलब ये तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसको बाउल में, सर्विंग बाउल में डाल के ठंडा करने के लिए रखेंगे। कम से कम इसको हमने 20 मिनट और पकाया है तो ये इतनी गाढ़ी हुई है और ये देखें अब ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। जी खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। हम ऊपर से पिस्ते से गार्निश कर रहे हैं। आप लोगों के पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो उस वो डाला जा सकता है। बस इसको हमने डाल के ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको तेज ठंडा करके खाएं तो मज़े की लगती है फिर ये। और ये खीर हमने स्पेशली रबी लवल के लिए भी स्पेशल बनाई गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।